सभी बालकों, हिंदी में हम पाठ 11 सच्चा बालक का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आगे के वीडियो में हमने थोड़े सवाल जवाब देखे। आज हम बाकी के सवाल जवाब देखेंगे। तो आज हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे, जिसमें प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, काफिला कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था काफिला? बगदाद जा रहा था। दूसरा प्रश्न, बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा, लड़के के पास कितनी अशरफिया थी? कितनी थी? 40 अशरफिया थी। चौथा, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? याद है ना, छुपा के रखी थी। कहाँ छुपा के रखी थी? अपनी सदरी के अस्तर में। पांचवा, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? क्या कहा था उसकी माँ ने? उसकी माँ ने सीख दी थी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। छठा, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? उस छोटे से 9 साल के बच्चे से डाकुओं ने इतनी बड़ी सीख ली कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। वो बच्चा तो बहुत छोटा था, फिर भी अपनी माँ का कहा मानता था। तो वो सोचते थे कि हम तो इतने बड़े हैं, फिर भी भगवान ने जो नेक रास्ता दिखाया है हम उस पर नहीं चलते। हम तो गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। तो उसके बाद वे सब ने वो गलत काम करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने लगे। सातवां, सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। आठवां, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर कहाँ के थे? बगदाद के थे। तो फिर उनकी समाधि कहाँ होगी? बगदाद में ही है। दूसरा प्रश्न, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। अब इसमें हमें सामने से सही जवाब देखकर उसे जोड़ना भी है और उसका वाक्य भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला है कड़क कर बोलना। तो सामने देखिए आप, इतने 7 जवाब है, इसमें आपको कौन सा लगता है? कड़क कर बोलना का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कठोरता से बोलना, एकदम सख्ती से बोलना। तो अब कड़क कर बोलने का हमें वाक्य भी बनाना है। जैसे पुलिस ने कड़क कर बोला तो चोर ने अपनी चोरी कबूल कर ली, वैसे ही आप अपनी तरह से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा, घुटने टेकना। घुटने टेकने का अर्थ क्या होता है? अगर कोई हार जाता है तो उसको क्या कहते हैं? घुटने टेकना। तो घुटने टेकना उसका मतलब है हार मानना। अब इसका वाक्य आपको अपनी तरह से यानी खुद बनाना है और लिखना है। तीसरा, नेक रास्ते पर चलना। नेक यानी क्या? नेक यानी सही। तो उसका अर्थ क्या होगा? सही रास्ते पर चलना। तो आप अपने आप से अच्छा सा वाक्य बनाकर लिखिएगा। उसके बाद है आँखों का तारा। ये आपने बहुत सुना होगा, माँ अपने बच्चे को बहुत कहती है कि ये तो मेरी आँखों का तारा है। तो आँखों का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा। तो इसका वाक्य भी आपको बनाकर लिखना है। और आखिर में है कान फूंकना। आपने ये सुना होगा, कईयों को ऐसी आदत होती है कि उसकी बातें उसको बोलते हैं, उसकी बातें उसको बोलते हैं, ऐसे ही बिना बात की बातें करते रहते हैं। तो
इसका अर्थ क्या होता है? किसी के विरुद्ध कुछ कहना। तो इसका भी वाक्य आपको लिखना है। बच्चों, जो ये आप वाक्य प्रयोग लिखेंगे वो बुक में से देख के आपको नहीं लिखना है, अपने आप से खुद वाक्य को बनाना है, वाक्य का अर्थ समझना है और उसके बाद खुद ही वाक्य लिखना है। यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न पूर्ण होते हैं। अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो फिर आपको सारे प्रश्न आसानी से आ जाएंगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, वो हम ऐसे ही अपने जनरल नॉलेज के लिए देखेंगे। योग्यता विस्तार। अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर हरिश्चंद्र, गांधी जी, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग पढ़िए और संकलन कीजिए। तो बच्चों, आपको इन महापुरुषों के बारे में जानकारी लेनी है, आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, आपके पास पुस्तक है तो उसमें से पढ़ सकते हैं, जब स्कूल खुलेगी तब स्कूल के लाइब्रेरी में से भी आप ले सकते हैं, या फिर नेट में यूट्यूब में सर्च करके भी इन लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हरिश्चंद्र, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो आदत के लिए उनको क्या कुछ सहन करना पड़ा है। फिर गांधी जी, जिनको आप सब जानते हैं, अपनी नोटों में भी उनका चित्र है। युधिष्ठिर, जो आपने लॉकडाउन में महाभारत देखा है उसमें आपने देखा होगा कि वो भी कितने बड़े महापुरुष थे। तो ये तीन और उसके अलावा भी बहुत सारे महापुरुष हैं, जैसे महाभारत में दूसरे भी है, भीष्म पितामह, अर्जुन है, ये सब के बारे में आपको जानकारी एकत्र करनी है। दूसरा, सोचिए और लिखिए। सच बोलने पर आपकी कब बहुत प्रशंसा हुई? तो बच्चों, आपको याद करना है कि कभी ऐसा हुआ है जब आपने झूठ ना बोल के सच बोला हो और आपकी बहुत प्रशंसा हुई हो, या फिर बहुत सी तारीफ हुई हो। आप जब वो प्रसंग को याद करेंगे तो आपको ऐसे ही खुशी मिल जाएगी। दूसरा, आपको झूठ बोलने पर डांट कब मिली? उसके बाद क्या हुआ? याद करो, ऐसा कभी हुआ है कि आपने झूठ बोला हो और आपको किसी ने डांटा हो, तो आपको कैसा लगा था जब आपने झूठ बोला था और डांट पड़ी थी? उसके बाद क्या आपको क्या लगा कि झूठ बोलना चाहिए या फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा? आप वो प्रसंग को याद करना, उसके बाद पढ़िए और समझिए। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमें कहीं पर भी कचरा फेंकना चाहिए नहीं। जैसे ही हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हमें हमारी गलियां, हमारा शहर, हमारा देश साफ रखना है। इसी से पर्यावरण की रक्षा होगी और वो हमारा धर्म है। हमेशा सच बोलना चाहिए, वो फिर कितना भी कठिन हो, हमें कितनी भी डांट पड़े, परंतु हमेशा सच ही बोलना चाहिए। तीसरा, सत्य ही ईश्वर है। जब हम सत्य बोलेंगे तो चाहे जो भी होगा आखिर में हम ही जीतेंगे। वो एक वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, मतलब आखिर में तो सत्य की ही विजय होती है और सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनको कभी भी हिंसा के बारे में ख्याल नहीं आया, वो हमेशा अहिंसा ही रखते थे सबके प्रति, और कभी हथियार को लेने में नहीं मानते थे और हमेशा सत्य की ही पूजा करते थे। इसीलिए उनको सत्य और अहिंसा के पुजारी कहते हैं। तो बच्चों,
आप भी ये सारी बातें समझकर उसका पालन कीजिएगा। तो यहाँ पर ये पाठ पूर्ण होता है। आप पाठ को अच्छे से पढ़ना, समझना और सवाल जवाब नोटबुक में सुंदर अक्षरों से लिखना। आओ जो